2022 विधानसभा चोणां दे विच आम आदमी पार्टी वालों सूबे में अवैध माइनिंग के मुद्दे से खूब राजनीति की गई है। सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद सूबे में गैर कानूनी माइनिंग खत्म कर सस्ती रेता बजरी देने का दावा किया, जिस तों बाद आम आदमी पार्टी एक्शन मूड दे विच नज़र आई सी, जिस दे चलते जिले की नरोड़ पुलिस वालों शहर के वार्ड नंबर 10 ते चुने गए कांग्रेसी पार्षद अमित शर्मा मिट्टू नूं अवैध माइनिंग करन दे आरोप विच मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है, जिसनों अदालत वालों 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिता है, जिसते हुण राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि अमित शर्मा मिट्टू सुजानपुर तो कांग्रेसी विधायक नरेशपुरी के नज़दीकी मने जाते हैं। इस संबंधी जब सुजानपुर के विधायक तो गल की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्षद से गैर कानूनी माइनिंग का मामला दर्ज होने कांग्रेस के लिए यह शर्म की गल है क्योंकि यह मामला साजिश के तहत दर्ज किया गया, क्योंकि जिला पठानकोट 200 क्रैशर जेकर अमित शर्मा माइनिंग करता है तो यकीनी बाकी क्रैशर मालिक भी माइनिंग करते होंगे, तो मामला सिर्फ अमित शर्मा से क्यों दर्ज किया गया, बाकियों से क्यों नहीं। अजिहे दे विच उन्होंने लोकल प्रशासन नसीहत देते हुए कहा कि जेकर कितने होर भी गैर कानूनी माइनिंग फड़ी जाती है तो उन्होंने उत्ते व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए, जबकि अमित शर्मा फड़िया गया तो उसते 1.5 करोड़ की मशीनरी दे नाल उन्होंने जब्त भी किया गया। इस करके मेरा कहना है कि कानून सब दे लई इक है ते सारे दे नाल समान व्यवहार होना चाहिए है। इस संबंधी जब पुलिस अधिकारियों तो गल की गई तो उन्होंने कहा कि BSF के अधिकारी की सूचना से 3 ट्रकों को हिरासत में लिया गया, जिसके चलते कुल 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया, जिन्हों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक साड़ी कांग्रेस पार्टी के पार्षद से परचा होया, ये मेरे लिए भी और पार्टी लिए भी एक शर्मनाक इंसीडेंट है। बट मैं विधानसभा दे विच भी लाइव सैशन दे विच बोलिया सी, तुसी देख सकते हो उस मैं कहा सी कि एक बंदा जिन्हें क्रेशर लगाया वह माइनिंग कर रहा है और करता है, बट एक बंदे ते कार्रवाई क्यों? अगर पठानकोट जिले दे विच 200 क्रेशर है तो 200 क्रेशर भी तो माइनिंग करते होंगे, कल्ला अमित शर्मा मित्तू क्यों? अगर अमित शर्मा मित्तू माइनिंग कर रहा है तो उसका नाम मेरे नाल मीडिया क्यों जोड़ रहा है? मेरा 47,000 47,500 बंद ने मैं वोटा पाइया, मेरा परिवार है 47,500 का। अगर कोई बंदा आके, मैं इस इलाके का MLA है, लोगों के पुन प्रताप लोगों के सहयोग मेरे फादर साहब की ब्लैसिंग करके मैं विधायक बनया, 15 साल मैं स्ट्रगल किया, तुसी दसो मेरी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होए, मैं किसी काम च इनवॉल्व होवां तो फिर मेरे नाम नाल नाम जोड़िया जाए। पिछली बारी भी जो अगर अमित शर्मा से जो परचा होया तो मीडिया ने दिता नरेशपुरी का भाई पकड़ा गया, 4 मशीना पुलिस ने पकड़िया, एक आगे तुहानू मैं दे देंगा, ये स्टोन क्रशर्स के नाम है और इनू तुसी जूम करके देखो, ये 4 मशीना खड़िया इत्थे, मैं टिक किया, ये पुलिस का मुलाजम खड़ा इत्थे, ये मशीना उन्होंने फड़ लिया, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की वधिया। बट अगे आगे की होया, परचा किया उन्होंने वहीकल एक्ट का, इन भी जूम करके देख लो, जुर्माना होया 7,000 और ये देखो कि तुसी जिहड़ा परचा होया ये सारे स्टोन क्रशर्स है, ये तुसी जूम कर लो, मैं स्टोन क्रशर्स के नाम नहीं लेने, तुसी अपने जो न्यूज़ लगाओगे वो आपे बोलोगे। मैं कहना कि जो इन्होंने परचा किया जोगिंद्रपाल जी का, साढ़े वो सबका विधायक से मेरे भरा वे, वह भी क्रशर इंडस्ट्री च है, कांग्रेस ही है, परचा जोगिंद्रपाल दे परचा अमित शर्मा मित्तू ते, इहदे विच कई ऐसे वड्डे सीनियर ऑफिसर इनवॉल्व है जिहड़े अपने मौजूदा हुक्मरानां नूं खुश करन वास्ते ये कर रहे हैं। मैं सरकार नूं दोष नहीं दिंदा, मैं तुहाडे माध्यम राही इहो कहांगा कि अगर परचे करने हैं तो सारयां दे करो, जाके सारे ड्रोन दे नाल सर्वे करवाओ कि ये क्या जिहड़े खड्डे बने हैं ये क्या अमित शर्मा ने कल्ले कीते है, फिर तो जे उन्हें किए तो फिर मैनू उहदी शिकिरदी करनी पेगी, एक बंदा इन्ना वड्डा रैकेट चला रहा है। कि पंजाब सरकार दीआं गैर कानूनी माइनिंग ते सख्त हदायतां, तो माननीय SSP साहब दीआं भी इत्ते बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शन कि भी जिहड़ी नजायज़ माइनिंग है उहनू हर तरीके नाल उहनू रोकिया जाए, इसे ते आपां कार्रवाई करदे होए जिहड़ा मौजूदा परचा मुकदमा नंबर 24 दित्ता, तो ये नाल ही एक चीज़ होर दसनयोग है कि 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार की फ्रैश जिहड़ी डिगिंग है वो उत्ते बिल्कुल रोक है, तो इसलिए उत्ते भी आपां बहुत ही नकेल कसी हुई है, तो इसे दौरान ही आपां ये जिहड़ा प्रेजेंट मुकदमा ये दर्ज किया क्योंकि इस मुकदमे जिहड़ी ताज़ी निकासी उस क्रैशर तो पाई गई सी।
जिहड़ा प्रेजेंट केस है ये मुकदमा नंबर 24 है जिहड़ा थाना नरोड़ जामल सिंह च दर्ज होया जी 7/8/22 नूं। ते इहदे विच टोटल अपने कोल 7 मुजरम जिहड़े आपां नॉमीनेट किए सी। इहदी बैकग्राउंड मैं तुहानूं थोड़ी दस दिंदा कि 6 तरीक की नाइट ते 7 तरीक की सूबे नूं BSF दे एक सीनियर ऑफिसर बॉर्डर दे एरिए गश्त कर रहे सी, उन्होंने कोई शक्की ट्रक लभे, उत्थे उन्होंने साढ़े चौंकी इंचार्ज जिहड़ा बमियाल वाला उन्होंने सूचित किया, उन्होंने इनफॉर्मेशन से साडा जिहड़ा चौंकी इंचार्ज इमीडिएटली उत्थे पहुँच गया सी। इह ट्रक राउंड अप किए जो इन्हों फरदर इनवैसटीगेट किया तो ट्रक जिहड़े जय शंकर क्रैशर तो आए सी, मौके पर आपां उत्थे जाके फिर फरदर इनवैसटीगेशन की, जिथों नाल ही आपां माइनिंग महकमे के जिहड़े कंसर्नड ऑफिसर उन्होंने भी लिया, उन्होंने जो उत्थे जाके चैक किया उन्होंने जी उत्थे नजायज़ माइनिंग पाई गई, उन्होंने रेकमेंडेशन से फिर यह परचा दर्ज होया सी। इहदे विच टोटल 7 अक्यूज़ आपां नॉमीनेट किए सी, जिन्हों चो शमशेर सिंह उर्फ शेरा जिहड़ा अरैसट हो चुके, तरसेम लाल ये भी अरैसट हो चुके, अमित शर्मा इहनूं आपां 15 तरीक नूं अरैसट किया, इहदे अलावा अशोक कुमार, रमन कुमार ते दो जिहड़े अनपछाते उन्हां दी अरैसट हाले बाकी है। इहदे विच आपां एक पोकलेन मशीन, एक JCB ते दो टिप्पर जिहड़े आ रिकवर किए सी। हुण इहदे विच जिहड़ा 15 तरीक नूं आपां अक्यूज़ अमित शर्मा अरैसट किया, इन्हां ने अपनी जिहड़ी पुछगिछ दस्सिया कि भी आपां एक रेंट डीड जिहड़ी आ उह एक कीती सी मिस्टर अशोक कुमार नाल, पर जिहड़ा एक्चुअल बिजनेस सी उह इही कंट्रोल कर रहे सी रमन कुमार ते अमित शर्मा। तो इहदे विच जिहड़ा आपां बाद चों इन्हां दे इस बयान ते सैक्शन जिहड़ा 420 ते 120BB ऐड करता, तो इन्हों के उपर इस तो पहले इसे क्रैशर से मुकदमा नंबर 14 भी नरोड़ जैमल सिंह थाने से सी रजिस्टर्ड, उन्होंने भी आप इन्हों दोनों दोषियों नू रमन कुमार ते अमित शर्मा नू ऐड किया, क्योंकि उसे सेम पीरियड का जिदी जिदे रेंट डी उसे सेम रेंट डीड के पीरियड का है जिदी गल करता, तो सेम स्टोन क्रैशर से है, तो इसलिए दोनों उच्च भी ऐड करता, उच्च भी सैक्शन आप 420 ते 120B ऐड करते हैं।